सबसे पहले खुशखबरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान आणंद पहुंचकर दी। यहां वो दुग्ध डेयरी उत्पाद कंपनी अमूल के कई प्लांट के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अल्ट्रा मॉडर्न चॉकलेट प्लांट का भी उद्घाटन किया। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की कंपनी अमूल दुनिया भर में एक बड़ा ब्रांड बन चुकी है। यह अब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। ये सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके बाद बात करते हैं रेलवे की, जिसने दिवाली पर घर जाने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर दी। रेलवे ने लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए विशेष रेलगाड़ियों का ऐलान किया है। हर साल दिल्ली से लखनऊ और आसपास के इलाकों में जाने के लिए यात्रियों की मांग काफी ज्यादा होती है। ऐसे में रेलवे ने लखनऊ के लिए दो रेलगाड़ियों का ऐलान किया। इनमें से एक रेलगाड़ी आनंद विहार रेलवे स्टेशन से और एक गाड़ी हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलाई जाएगी। मंगलवार से इन रेलगाड़ियों में टिकट की बुकिंग हो सकेगी। अगली अच्छी खबर उन छात्रों की है जो देश में चल रहे स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए अपने अलग अंदाज में कोशिश करने में जुटे हैं। 15 सितंबर से शुरू हुए स्वच्छता ही सेवा है कैंपेन में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कॉलेज छात्रों ने अनोखे अंदाज में इस कैंपेन के तहत काम किया। उन्होंने पब्लिक टॉयलेट की दीवारों पर पेंटिंग करके खुले में शौच न करने का संदेश दिया। साथ ही पेंटिंग्स के जरिए टॉयलेट को साफ सुथरा रखने की लोगों से अपील भी की। हाईवे पर मौजूद शौचालय जिनकी हालत काफी खराब थी, उसे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने रिनोवेट कर उसका उद्घाटन भी किया। अगली खुशखबरी हल्द्वानी की डॉक्टर बहू ने दी। मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस और मिसेस इंडिया यूके खिताब जीत चुकी हल्द्वानी की बहू डॉक्टर अमरप्रीत कौर चावला ने अब एक और खिताब अपने नाम कर लिया। डॉक्टर अमरप्रीत कौर को अब प्रतिष्ठित मिसेस नॉर्थ पैसिफिक एशिया यूनिवर्स 2018 के खिताब से नवाजा गया है। वो इस साल के अंत में फिलीपींस में होने वाली 41वें मिसेस यूनिवर्स खिताब के लिए प्रतिभागी बनेंगी। पेशे से डेंटिस्ट डॉक्टर अमरप्रीत लंदन में ही डेंटल स्पा क्लिनिक चलाती हैं। उन्होंने बताया कि वो अब दिसंबर में होने वाले मुकाबले की तैयारी कर रही हैं। लंदन से फोन पर उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए जागरूकता अभियान वो चलाएंगी। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com नई दिल्ली।